सो स्टैंडर्ड फोर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन पार्ट टू। आपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, फर्स्ट सेमेस्टर में पार्ट वन सीखा था, जिसमें आपने लैटिस मेथड से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन आपको लाइफ में यही तरीके से मल्टीप्लाई करना है। पार्ट टू में आपको यही सिखाया गया है। मैं एक एक सम करूँगा, आप ध्यान देगा। एंड स्टूडेंट्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट सम्स है मैं वही करूँगा, ठीक है? आपको टीचर ने और भी कुछ कराया रहेगा, क्वेश्चन आंसर, वर्ड प्रॉब्लम, तो भी आप कर लेना। मैं आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है वो सिखा दूंगा। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 75 पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, ठीक है? यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ठीक है? नंबर है 743 मल्टीप्लाई बाय 5। ये साइन का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, जो आपको एक्स जैसा दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई। अब 5 को मैं तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है? 5 का टेबल बोलो 3 तक। 5 वन ज़ार 5, 5 टू ज़ार 10, 5 थ्री ज़ार 15। तो 15 यहाँ लिखेंगे और जो 1 है वो होगा ऊपर कैरी, ठीक है? अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, ठीक है? 5 का नंबर 3 तक लिया, अब 5 का नंबर हम लोग 4 तक बोलेंगे। 5 वन ज़ार 5, 5 टू ज़ार 10, 5 थ्री ज़ार 15, 5 फोर ज़ार 20। 20 और ऊपर जो एक कैरी था, 20 और 1 कितना होगा? 21। अगेन 2 कैरी, ठीक है? ऊपर एक लाइन छोड़ने का, क्यों? कैरी करने के लिए। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, अब क्या करेंगे? 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 सेवन ज़ार 35, 35 और 2 कितना होता है? 37, है ना? 35 और 2 कितना होता है? 37। तो ये आपका फाइनल आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन भी वैसे ही करना है आपको। नंबर है 409 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 का टेबल बोलो जब तक 9 नहीं आता। 4 नाइन ज़ार 36 होता है, करेक्ट? 36। तो 6 यहाँ जाएगा, 3 जाएगा कैरी। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये 0 से। 4 ज़ीरो ज़ा कितना होता है स्टूडेंट्स? 0। बहुत बच्चे गलती से 4 ज़ीरो ज़ा 4 लिख देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। 4 ज़ीरो ज़ा क्या होता है? 0, है ना? 4 ज़ीरो ज़ा 0। एंड 0 प्लस 3 कितना होता है? 3, ठीक है? फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 फोर ज़ा कितना होता है? 16, ठीक है? फिर पेज नंबर 76 टेक्स्ट बुक पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया मल्टीप्लाई। अब ये कैसे करने का स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। 37 मल्टीप्लाई बाय 27, ये पहले जो क्वेश्चन किया और जो भी हम करेंगे इसमें फ़र्क क्या है? इसमें नीचे एक ही नंबर था मल्टीप्लाई करने को, यहाँ पे नीचे आपको दो दो नंबर है, वो कैसे करने का ध्यान दो। इजी है, पहले हम दोनों नंबर देखेंगे। क्या नंबर है? 27। पहले 7 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करो, जैसा ऊपर किया था वैसे यहाँ भी करना है। 7 सेवन ज़ार 49, 4 कैरी, 7 थ्री ज़ार 21, 21 और 4 कितना होता है? 25। समझ में आ गया? ये 4 का काम हो गया, इसको अभी काट दो, ओके? समझ में आ गया? 7 को पहले 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है? 7 का काम हो गया। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स? 2 से। किसको? 2 सेवन ज़ा 2 थ्री ज़ा। लेकिन जब हम यहाँ पे ये नंबर होने के बाद जब हम सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे एक ज़ीरो आपको लगाना पड़ेगा। बहुत बच्चे ये ज़ीरो लगाना भूल जाते हैं तो रॉन्ग आंसर आता है, ठीक है? अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो। 2 सेवन ज़ार 14, 1 कैरी, ठीक है? फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 2 थ्री ज़ार 6 और 6 प्लस 1 जो भी कैरी हुआ था कितना होता है? 7, ठीक है? प्लस करने का, किसको? ये नंबर को एंड ये नंबर को, ओके? 9 प्लस 0 9, 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 7 9, आपका फाइनल आंसर है। समझ में आ गया? डोंट वरी, हम और एक सम करेंगे तो आपको और अच्छे से आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 67 मल्टीप्लाई बाय 92, ठीक है? सो पहले किसके नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे? कौन से दो नंबर है? 2 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 6। 2 सेवन ज़ार 14, 1 कैरी, 2 सिक्स ज़ार 12,
12 और 1 कितना होता है 13, समझ में आ गया। 2 को पहले 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 का काम हो गया। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, 9 7 9 6 आर। लेकिन जब हम 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करने के पहले मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक जीरो। जैसे यहाँ पे एक जीरो लगाया था, वैसे यहाँ पे एक जीरो लगाने का। जीरो कब लगाते हैं, जब हम फर्स्ट नंबर को तो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, फर्स्ट नंबर के बाद जब हम सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको यहाँ पे एक जीरो लगाना पड़ेगा। 9 7 63, ठीक है, इसका काम हो गया है। 6 ऊपर लिखेंगे, ठीक है, फिर 9 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से, 9 6 54, 54 और 6 कितना होता है स्टूडेंट्स, 54 एंड 6, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60 होता है। प्लस करेंगे किसको, इसको और इसको, 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 3 6, 1 प्लस 0 1, 6 यहीं पे आएगा, 6164। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मैंने बहुत ही सिलेक्टेड सम्स किए हैं, मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया है। वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम में आएगा तो आपकी स्कूल टीचर ने आपको जैसा बताया रहेगा वैसे करना, मल्टीप्लाई ऐसा ही करना जैसा मैंने बताया है, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते डिवीजन के साथ।